हेलो फ्रेंड, मिमी फाई क्वेन के माइनर के लिए एक न्यू गुड न्यूज़ है कि बहुत सारे लोगों ने OKX वॉलेट का तो पहले ही दिन से विड्रावल का ऑप्शन आ चुका था, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में थे कि बाकी एक्सचेंज की भी अपडेट आएगी तो फिर हम बाकी एक्सचेंज में लगाएंगे, हो सकता है कोई ऑफर वगैरह हो। लेकिन बहुत सारे यूज़र ने इसमें अभी तक विड्रा नहीं लगाया, उसकी क्या कन्फ्यूजन है, किस तरह इससे अलावा आप लगा सकते हैं, तमाम अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैसे ही इस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की अपडेट आई थी तो मैंने ऑलरेडी उसी टाइम वीडियो बना के सेंड कर दी थी और उसमें मैंने OKX वॉलेट का लाइव विड्रावल लेकर दिखाया था। और इसी तरह यहाँ पे अगेन मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो अभी आपको बैलेंस जीरो देखने को मिल रहा है। ये बैलेंस जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लेम कर लिया था अपनी OKX एक्सचेंज में, अपनी ID भी यहाँ पर देखें, क्लेम ऑप्शन, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी ID भी दी हुई है और डिपॉजिट एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक भी लग चुका है। तो अभी जैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मुझे डायरेक्ट OKX एक्सचेंज में ये टोकन मिल जाएंगे। लेकिन आपने, क्योंकि अगर OKX एक्सचेंज में विड्रा नहीं लगाया तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तमाम अपडेट बता देता हूँ जो अभी न्यू अपडेट आई है। अगर अभी आपका यहाँ पर जीरो भी देखने को मिल रहा है तो फिर भी आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर लेना है, आपको मिल जाएंगे। ऑफ चैन क्लेम का मकसद ये होता है कि किसी भी मुख्तलिफ एक्सचेंज पर विड्रा लगा देना। ऑन चैन का मतलब ये होता है कि उनको जो उन्होंने आप रिकमेंड किया है वॉलेट वगैरह उस पर विड्रा लेना है, ये चीज़ होती है। इसी तरह ये क्रिटेरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें मिमीफाई लिस्टिंग की अपडेट है, लेकिन यहाँ पे कमिंग है अभी तक, आज 21 डेट है, कल इसकी लिस्टिंग है और क्लेमिंग का प्रोसीजर भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये अभी तक बाकी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट OKX लगाना था, वो हमने लगाया लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लगाया, तो इन अभी कम्यूनिटी में जो अपडेट आई है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनकी एक न्यू पोस्ट आई है कि क्लेम आर अवेलेबल टू एवरीवन, कि हर किसी के लिए अभी क्लेम का ऑप्शन इनेबल है, आपने किस तरह लगाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर किया गया है कि कैन नॉट क्लेम मिमीफाई एयरड्रॉप, कि हमारा बहुत सारे लोगों ने फॉर एग्जांपल क्लेम किए नहीं है, वो किस क्या वजह है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, वो कन्फ्यूजन क्या थी वो इन्होंने बताई है। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो टोन के अलावा किसी और ब्लॉकचेन पे आ रहा है, क्योंकि बाकी टेलीग्राम की जितनी भी प्रोजेक्ट होते हैं वो टोन की ब्लॉकचेन पे आते हैं, इसी वजह से वो मुख्तलिफ एक्सचेंज तक रसाई उनकी हासिल होती है। लेकिन ये क्यों टोन की एक्सचेंज पे ब्लॉकचेन पे नहीं आ रहा, सुई की ब्लॉकचेन पे आ रहा है, तो ये वो कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से हम बाकी एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं दे सके, और जो हमारे साथ अच्छी तरह से काम वर्किंग में का है वो OKX एक्सचेंज है और OKX वॉलेट है। तो अगर आपने OKX एक्सचेंज का लगाया है तो वेल एंड गुड, नहीं लगाया तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप OKX वॉलेट को जस्ट आपने बाइंड करना होगा और जैसे ही वो बाइंड कर लेंगे तो वो ऑन चैन में आ जाएगा और वो ऑन चेन जो होगा वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज द फर्स्ट टेलीग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट टू लिस्ट आउटसाइड ऑफ द टोन इकोसिस्टम, कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो टोन की इकोसिस्टम से बाहर होकर सुई की ब्लॉकचेन पे आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे इन्होंने वही बात बताई है कि हमारे साथ अच्छा खासा तावन किया है, एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑफ चेन क्लेम आर अवेलेबल OKX, वो ऑलरेडी अवेलेबल था लेकिन अभी भी चेक कर ले। अगर आपको एक्सचेंज का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपने ID और सुई की ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो दे देना है, प्रीवियस वीडियो देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन भी बताई गया है कि हाउ आर ऑन चैन क्लेम विल बी गो लाइव 1 आवर बिफोर द टोकन जनरेशन इवेंट ऑन द सुई नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑन चैन क्लेम करते हैं, ऑन चैन से मुराद यह है कि आपने एक्सचेंज का ऑप्शन आपसे रह गया, आप जब OKX वॉलेट लगाना चाहते हैं या आपने लगाया हुआ है, तो वो जो टोकन होंगे वो टोकन जनरेशन इवेंट से पहले पहले आपको मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग से पहले पहले मिल जाएंगे, जब भी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो उससे 1 घंटा पहले मिल जाएंगे। आप आसानी के साथ जैसे आपके अपने पास वॉलेट में OKX वॉलेट में आएंगे वहाँ पर थोड़ा सा आपके पास सुई की फ़ी होनी चाहिए, फिर आपने एक जिस एक्सचेंज पर यह लिस्ट हो वहाँ पर आसानी के साथ सेंड कर सकेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि सुई नेटवर्क बहुत स्केलेबल एंड फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन है, तो ये अच्छा वर्क करती है। इसी तरह ऑन चेन क्लेम विल बी गैस फी कवर बाय मिमीफाई अलाउ यूज़र टू ट्रांसफ़र दी टोकन, वही बात है कि अगर आपको जब OKX वॉलेट के अंदर आ जाएंगे तो ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एक्सचेंज पर सुई की थोड़ा सा फ़ी लगेगी तो वो रखनी होगी। ऑन चेन इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, हर किसी के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे इफ़ यू आर मोबाइल स्टोर रीजन डज नॉट सपोर्ट दी OKX
OKX मोबाइल ऐप, अगर आपकी फॉर एग्जांपल ऐसे रीजन में है जहाँ पे आपका OKX अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि यू कैन यूज़ दी OKX वेब 3 वॉलेट, ये भी आपके पास ऑप्शन है। नहीं तो दूसरा जो है टेलीग्राम मिनी ऐप एक ऑप्शन होता है, वो भी है। इन तीनों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि OKX की जब भी कोई अपडेट आई है मिमी 5 में, तो मैंने बताया है कि किस तरह OKX वॉलेट को आपने लिंक करना है। सबसे पहला मैं बता दूं जिस पे हमें 25 मिलियन टोकन दिए गए थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने फ्रेंड इसको मैं क्रॉस करता हूँ, तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मिलियन OKX का ऑप्शन है, और उसके साथ साथ सुई ब्लॉकचेन का है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो अगर आपका ये कनेक्ट है तो आप वेल एंड गुड, कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, OKX वॉलेट में चला जाएगा। जैसे ही आपका OKX वॉलेट वहाँ पर एड हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखें यूआर OKX वॉलेट इज़ नो कनेक्ट यूआर अर्न, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलती है, ये पहली चीज़ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कनेक्ट OKX वॉलेट और सुई ब्लॉकचेन पे यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये भी वही प्रोसीजर है जो अभी बताया। इसी के साथ जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हैं, तो OKX वॉलेट की एक कंपेन आई थी जो मैंने एक क्लियरली उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, तो वो अगर आपने नहीं की तो वो भी कर लेना, भी हो सकता है गायब हो गई हो, लेकिन यहाँ पर आई थी, आपने वीडियो देख लेनी है, अगर वहाँ से आपको मिल जाती है वो प्रोसीजर फॉलो कर लेना है। अगर आपने अभी तक विड्रॉल नहीं लगाया किसी एक्सचेंज का, तो जस्ट आपने ये दोनों OKX वॉलेट वगैरह बाइंड कर लें, इसका यही होगा कि आपको ऑफ ऑन चेन मिल जाएंगे, उसके बाद आपने आसानी के साथ किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूसरी ये है, वॉलेट पर मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेन पे क्लिक करता हूँ, ये चीज़ भी देख ले, एड्रॉप पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये वाला मेरा वॉलेट कनेक्ट है ऑलरेडी। आपने भी ये चीज़ भी देखनी है कि आपका सुई की ब्लॉकचेन का एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। मिनिमम इसी तरह मेन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं भी क्लिक करना होगा तो ये हमारे पास ये फिर हमारे किसी काम की नहीं, ये भी आपने कोशिश यही करें यहाँ से विड्रॉल निकालने के लिए, विड्रॉल बहुत काफ़ी बड़ा था, छोटा छोटा विड्रॉल भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ इसकी टर्म उम्मीद है 10 PR तक आ जाए तो फिर अच्छा होगा एयरड्रॉप, क्योंकि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से रेशो बहुत कम रखी है। तो इसकी प्राइस अगर स्विगी ब्लॉक चेन है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, 8-10 PR तक बन जाता है, फिर कम्युनिटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कल इसकी लिस्टिंग की प्राइस क्या आती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।